चाइनीज मेडिकल फिलोसॉफी के मुताबिक कोई भी बीमारी जो विजिबल होती है उससे पहले आपके शरीर में इनविजिबल बीमारी आती है, मतलब कि जो आप देख नहीं सकते हैं अभी फिलहाल। एग्जांपल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, ये बीमारी आने से पहले पेन, डिस्कम्फर्ट और बॉडी में कुछ ऐसा सिग्नल आपको देने की कोशिश करेगा कि जो आपको बताएगा कि कहीं पर इम्बैलेंस चल रहा है। अब जब भी हम इग्नोर करते हैं, कोई भी छोटा सा भी पेन हो जाए, फीवर आए, कफ, कोल्ड या इवन हेडेक होता है, और वो अगर बार बार होता है या ऐसा कोई भी किस्म का पेन आपके शरीर में चलता रहे, अगर आप इग्नोर करते जाएंगे तो वो सिम्टम सप्रेस होते जाएंगे। शायद दवाई आप ले लेंगे बट लॉन्ग टर्म कोई ना कोई बीमारी फ्यूचर में आने वाली है। उसके लिए क्या करें? नंबर वन, पेन को इग्नोर ना कीजिए, डिस्कम्फर्ट को एड्रेस कीजिए, और दूसरा, ब्लड रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पर निकालिए, उससे आपको अगर कहीं पर भी इम्बैलेंस है बॉडी में उसे आप फिक्स कर सकते हैं।